हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 करने जा रहे हैं, टीचिंग रीडिंग स्किल्स मेथड्स। कल हमने 11 चैप्टर किया था, उसमें हमने देखा था कि रीडिंग का मीनिंग क्या होता है और कौन कौन सी टेक्निक से टीचर यूज़ करता है रीडिंग को करवाने के लिए। आज के चैप्टर में है टीचिंग रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल को टीच करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होंगे और कौन कौन से टाइप्स होंगे, तो आज इस वीडियो में हम मेथड्स करने जा रहे हैं। देर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग आउट ऑफ विच फर्स्ट इज अल्फाबेटिकल मेथड विच इज कॉल्ड लेटर मेथड। अल्फाबेटिकल मेथड को लेटर मेथड भी कहा जाता है, नॉन लेटर मेथड भी होता है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं 7, जैसे कि अल्फाबेटिकल मेथड, फोनिक मेथड, सिलेबिक मेथड, वर्ड मेथड, फ्रेज मेथड, सेंटेंस मेथड एंड स्टोरी मेथड। ये 7 मेथड्स हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारा मेथड है अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिकल होता है लेटर्स, जैसे इंग्लिश में लेटर्स हैं, इंग्लिश में लेटर्स हैं ए बी सी डी, ये लेटर्स हैं, ये अल्फाबेटिक होते हैं। मतलब ए से लेके जेड तक जो हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं उसको अल्फाबेटिकल मेथड कहते हैं। अनदर नेम फॉर दिस कॉमन मेथड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ ए बी सी डी मेथड। ईस्ट और वेस्ट में अगर इसको कॉमन मेथड में हमने बोलना हो तो ए बी सी मेथड बोला जाता है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज स्पेलिंग मेथड, इसको स्पेलिंग मेथड भी कहते हैं। ग्रीक एंड रोम्स इंजॉय द क्रेडिट ऑफ इट्स इन्वेंशन, इसको इन्वेंशन, इसकी खोज करने का क्रेडिट है जो वो ग्रीक के लोगों को और रोमन को जो मिला हुआ है। इट वॉज पॉपुलरली यूज्ड टिल द एंड ऑफ मिडल एज, इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया था मिडल एज तक। टुडे ऑल्सो दिस मेथड इज़ यूज बाय द टीचर्स टू टीच रीडिंग, आज भी इस मेथड को टीचर्स हैं जो टीच रीडिंग की टीच को टीच करवाने के लिए करते हैं। इसका प्रोसेस है क्या है, सबसे पहले इसमें लेटर्स सिखाए जाते हैं। बच्चे से हम छोटे बच्चों को क्लास में पहले ए बी सी सिखाते हैं, उसके बाद जब बच्चों को लेटर्स आ जाते हैं तो वर्ड्स पे आते हैं भी एक वर्ड कैसे बनेगा। जब वर्ड बन जाता है तो एक फ्रेज बनाया जाता है, फ्रेज बनाने के बाद एक सेंटेंस है जो वो बनाया जाता है। स्टेप्स हैं इसके, द टीचर फर्स्ट स्टेप है इसका, द टीचर टीच ऑल द 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं ए टू जेड, वो इन देयर अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए बी सी डी ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेगा, द दीज लेटर्स आर रैपिडली टॉट अंटिल स्टूडेंट्स लर्नड देम बाय हर्ट, इन लेटर्स को तब तक रिपीट करवाता रहेगा जब तक बच्चे इसको अच्छे से याद नहीं कर लेते। थर्ड स्टेप है, देन पीपल्स आर टॉट हाउ टू फॉर्म वर्ड्स बाय कंबाइनिंग दीज लेटर्स। थर्ड्स में वो क्या करेगा, उन लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड की फॉर्म देगा, जैसे कि ई आई एस इज, एच आई एस हिज, इस तरह से वो उनको वर्ड्स बनाने सिखाएगा। फोर्थ स्टेप में द टीचर देन टेल्स हाउ टू कंबाइन दीज वर्ड्स टू फॉर्म फ्रेज एंड फाइनली हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। फोर्थ स्टेप में वो क्या करेगा, इन वर्ड्स को कंबाइन करके एक फ्रेज बनवाएगा, फ्रेज बनवाने के बाद उनको एक स्ट्रक्चर सेंटेंस का निर्माण करेगा। फिफ्थ स्टेप में इन द एंड ऑफ द प्रोसीजर द प्रैक्टिस इज प्रोवाइडेड इन टू पर्पल्स थ्रू रीडिंग पैसेजेस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अगर उनको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे तो एंड में वो क्या करेगा, जो एक टेक्स्ट बुक में से एक पैसेज है उसको रीड करवा के बच्चों की प्रैक्टिस करवाएगा। हाँ जी, इसके फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स, दिस मेथड फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमने लेटर्स पढ़े ए बी सी, उसके बाद हमने इससे वर्ड्स बनाने सीखे, वर्ड्स के बाद हमने फ्रेज बनाए, फ्रेज के बाद हमने सेंटेंस बनाए। तो ये जो मेथड है इसमें प्रिंसिपल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बहुत ईजी से लेके कॉम्प्लेक्स तक जाना। फॉर बिगनर्स, जो शुरू में बच्चे सीख रहे हैं, दिस अप्रोच अप्रूव टू द क्वाइट ल्यूसिड एज फर्स्टली दी लर्न द बेसिक यूनिट्स एंड देन द बिगर स्ट्रक्चर। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो पहले है जो बेसिक यूनिट को सीखेंगे, उसके बाद वो बिगर स्ट्रक्चर के बाद जाएंगे, वर्ड से लेटर से, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज और फिर सेंटेंस। लेस कन्फ्यूजन इज देयर एज कम्पेयर टू अदर कॉम्प्लेक्स मैथड, बाकी और कॉम्प्लेक्स मैथड्स में इसमें जो कन्फ्यूजन है बहुत कम होती है क्योंकि पहले ही हमने पढ़ लिया भी ए बी सी
इनका मतलब क्या है, उसके बाद वर्ड्स बनाने सीख लिए, फिर सेंटेंस बनाने सीख लिए, तो कंफ्यूजन कम हो जाती है। आगे आज इसके डीमेरिट्स, इसके नुकसान क्या हैं। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा और एक नुकसान। तो इसके भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, दिस मेथड निगलेक्ट्स कंसेप्चुअल एज वेल एज परसेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट की लर्निंग नहीं होती, परसेप्चुअल की लर्निंग नहीं होती इसमें, ड्यू टू लेस यूज़ ऑफ एक्टिविटी। इसमें कोई एक्टिविटी का यूज़ नहीं किया गया। ऑडियो विजुअल एड्स इस मेथड में जो है वो डल प्रूव होते हैं, उनको इसको प्लेजेंट नहीं बनाया जा सकता, इंजॉयबल नहीं बनाया जा सकता। एक रटाफिकेशन हो गया कि ए, ये ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है, उसके बाद ये वर्ड बन जाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बन जाते हैं। मतलब इसमें कोई भी एक्टिविटी विजुअल एड्स वगैरह ये यूज़ नहीं किए जा सकते, जिसके लिए ये प्लेजेंट इंजॉयबल नहीं हो सकती। दिस मैथड इज लीस्ट कंसर्न विद द एक्सपेंशन ऑफ आइस पेन। इसमें क्या होता है, सिर्फ आइस पेन होता है, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, आपने पढ़ लिया, बस ये काम होता है। लर्निंग ऑफ लेटर्स लाइक ए बी सी टू जेड तक ओनली मेक्स दिस मैथड प्रोस्पेक्ट एंड बोरिंग एंड दीज एज दीज लेटर्स आर मीनिंगलेस। जब हम लेटर्स की स्टडी करते हैं तो वो मैथड है जो बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें लेटर्स हैं जो वो बहुत मीनिंगलेस होते हैं। इट एनक्रीज क्रैम्पिंग, सो देयर हेयर दिस मैथड डज नॉट प्रूव टू बी साइकोलॉजिकल। क्रैम्पिंग मतलब तोड़ तोड़ के बताना, भी ए ए बी सी डी बता दी, उसके बाद वर्ड्स बता दिए, फिर सेंटेंस बता दिए, तो ये क्रैम्पिंग को इनक्रीज़ करता है। इस मैथड ये मैथड है जो वो साइकोलॉजिकल प्रूव नहीं होता, जिसमें हम कुछ समझ सकते हैं। अल्फाबेटिकल मैथड इज़ लेंथी एंड टेंडियस, टू लॉन्ग। ये मैथड है जो बहुत ज़्यादा लेंथी भी है। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो इसकी जगह आप टू लॉन्ग लिख सकते हैं, भी बहुत लंबा होता है, जिसमें पहले हम ए बी सी सीखेंगे, फिर वर्ड बनाने सीखेंगे, वर्ड के बाद हम फ्रेसेस सीखेंगे, फिर हम सेंटेंस बनाने सीखेंगे, तो बहुत लेंथी और लॉन्ग हो जाएगा। इट प्रूव्स टू बी अनसाइंटिफिक, इसमें कोई साइंटिफिक तो बात नहीं है, एज इट इंक्रीजेस टू लर्न लैंग्वेज इन पार्ट्स। और ये सिर्फ लैंग्वेज को पार्ट्स में लर्न करना सिखाती है, कंप्लीट यूनिट नहीं सिखाती। पीपल्स गेट रॉन्ग आइडिया दैट देयर इज वन टू वन correspondence between letter and sound। उनके जब बच्चे हैं जो वो wrong idea भी लगा सकते हैं, जब उनको letter और sound में difference नहीं पता होता या एक जैसी निकलती है आवाज़, तो वो गलत idea भी इसका लगा सकते हैं। Whereas English alphabet is not complete because it does not represent all the 44 sounds। English alphabet हैं जो वो 26 है, पर इनकी साउंड है जो वो 44 है, तो ये जो साउंड्स हैं ये इनको कंप्लीट नहीं करती, तो अल्फाबेटिकल मेथड जो है वो गलत हो जाता है। इट मींस द साउंड्स ऑफ द नेम्स ऑफ द लेटर्स डू नॉट ऑलवेज इंडिकेट द प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो साउंड है वो लेटर से मेल नहीं खाती कभी भी, और जो प्रोनंसिएशन है उससे हम जज नहीं कर सकते अल्फाबेटिक से कि इसको हमने कैसे बोलना है। जैसे कि आई is not pronounced as, I को हम as pronounce नहीं कर सकते in में। ink is not ink, king king में हो जाता है, तो ऐसे difference होते हैं। जैसे इस example में दिया हुआ है is, I is not pronounced as I वो letter ले लिया, उसको हम I के तौर पे हमेशा pronounce नहीं करते। जैसे ink है, I ये वो लेटर तो आई है ना ये, पर इसको प्रनाउंस कैसे किया जा रहा है, आई ये सिंबल है, ठीक है, साउंड है ये, तो इसको हम आई यहाँ पे आई यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क क के साथ हमने किंग क इंग लगाया है, तो हम यहाँ पे क ए नहीं यूज़ कर रहे, आई यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो वो लेटर्स हैं वो अलग हो गए और उनकी साउंड्स हैं जो वो अलग अलग तरीके से होगी, तो प्रनाउंस करने में बच्चे हैं जो वो गलत आइडिया लगा लेते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट इंग्लिश में जो होते हैं प्रोनंसिएशन हमारी जो गलत हो जाती है जी। नेक्स्ट मेथड है फोनिक मेथड। फोनिक मतलब होता है साउंड, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 हैं पर उनकी साउंड्स हैं जो वो 44 होती हैं।
एज वी नो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साउंड, हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है जो एक साउंड्स की लैंग्वेज है. इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और उनमें जो साउंड्स हैं वो 44 हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 वॉवल साउंड्स होते हैं. सो एवरी लेटर स्टैंड फॉर मोर देन वन साउंड. अब हर एक लेटर है जो वो एक से ज़्यादा साउंड निकाल सकता है, क्योंकि लेटर तो हमारे पास 26 है पर साउंड हमारे पास 44 है. तो एक लेटर एक से ज़्यादा आवाज़ में प्रनाउंस किया जा सकता है. इट इज़ अ पॉपुलर मेथड इन यूके. यूके में ये बहुत पॉपुलर था. इन विच द यूनिट ऑफ टीचिंग इज साउंड, जहाँ पे साउंड की टीचिंग करवाई जाती थी. एज फोनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ साउंड, फोनेटिक्स का मतलब होता है साउंड की स्टडी करना. सो फोनेटिक मैथड इम्फेसाइज ऑन टीचिंग ऑफ साउंड, तो फोनिक मैथड है जो उसको हम टीचिंग ऑफ साउंड कहते हैं. बट इन इंडिया, इंडिया में इट्स एप्लीकेशन इज स्टिल लेस ड्यू टू ड्राथ ऑफ एक्सपर्ट्स एंड कॉन्टेम्प्ट टीचर. इंडिया में ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स की कमी है और कॉम्पोनेंट टीचर्स की कमी है, मतलब साउंड्स पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी कमी रहती है. मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश टीचर्स ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द जो इंग्लिश टीचर्स हैं इंडिया में, दैम सेल्फ नो नथिंग अबाउट फोनेटिक्स. उसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो खुद ही फोनेटिक्स के बारे में नहीं जानते. इन दिस मैथड, इस मैथड में क्या है, वर्ड्स आर स्पेल्ड इन टू साउंड. इस मैथड में क्या होता है कि वर्ड है जो स्पेल्ड बोले जाते हैं साउंड्स में इन्वॉल्व्ड, एंड देन दी साउंड्स आर टॉट. सो साउंड्स इन्वॉल्व की जाती है और उसके बाद उनको पढ़ाया जाता है. सो दिस मैथड फैसिलिटेट्स रीडिंग, तो इस मैथड को रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं. इन अ केस ऑफ बिगनर्स, बिगनर्स के लिए सिमिलर साउंड स्टडीज टेकन केयर ऑफ विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ स्पीच साउंड. सिमिलर साउंड स्टडी इज़ टेकन केयर विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ स्पीच साउंड. साउंड्स की स्टडी हम बिना स्पीच ऑर्गन्स के नहीं पढ़ा सकते. इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, किस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वॉवल साउंड्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये सारा जो चीज़ है वो फोनेटिक्स में पढ़ाई जाती है. सिमिलरली साउंड सेट ऑफ वर्ड्स आर टॉट विद प्रॉपर सिमिलर साउंड सेट ऑफ वर्ड्स आर टॉट विद प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडिएशन. सो दिस इज़ हाईली साइंटिफिक. इसके लिए ये बहुत साइंटिफिक है और एनालिस्टिकल मैथड है. साइंटिफिक मैथड कौन सा नहीं था, अल्फ़ाबेटिकल, पर ये है जो साइंटिफिक भी है और एनालिस्टिकल भी है. हेयर इंग्लिश इज़ टॉट थ्रू फोनेटिक स्क्रिप्ट. यहाँ पर इंग्लिश है जो उनको साउंड के तरीके से पढ़ाया जाता है, लेटर और वर्ड के तरीके से नहीं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल दैट रीडिंग शुड बी टॉट थ्रू साउंड. तो ये डिपेंड करती है कि जो रीडिंग है वो कहाँ कैसे पढ़ानी चाहिए, साउंड के ज़रिए पढ़ानी चाहिए, ना कि लेटर्स पर जोर देना चाहिए. साउंड्स आर फर्स्ट टॉट. दिस मैथड रेस्ट अपॉन फॉलोइंग एज्यूम्शंस. नो लेटर्स बट साउंड. इसमें क्या होता है, लेटर्स नहीं होते, साउंड ऑफ लेटर्स होते हैं जिसमें वर्ड प्रोड्यूस किए जाते हैं, बोले जाते हैं. पीपल्स शुड लर्न साउंड्स फर्स्ट. इसमें सबसे पहले बच्चे हैं जो वो साउंड सीखते हैं, देन कंबाइनिंग दैम इन टू द सिलेबस. उसको सिलेबल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं. अल्फाबेटिकल मैथड में क्या था, पहले हम लेटर्स पढ़ते थे, पर फोनिक मैथड में हम साउंड्स पढ़ेंगे. थैंक यू. इसका स्टेप कैसे है, फर्स्ट स्टेप है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉवल साउंड्स आर टॉट. इसमें सबसे पहले वॉवल साउंड्स पढ़ाए जाते हैं. प्यूपल्स फॉलो द टीचर इन स्पीकिंग एंड राइटिंग द दो साउंड्स. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को फॉलो करते हैं बोलने में और लिखने में साउंड्स को. देन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स आर इंट्रोड्यूस इन द सेम वे. पहले तो हमने वॉवल साउंड पढ़े, उसके बाद हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ेंगे. द टीचर टीच द पीपल्स हाउ टू कंबाइन कॉन्सोनेंट साउंड्स विद वॉवल साउंड्स टू फॉर्म सिलेबल्स. अब वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ लिए, भी कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, उसके बाद टीचर क्या कराएगा, कंबाइन करवाएगा दोनों को, कॉन्सोनेंट को भी और वॉवल्स को भी. किस फॉर्म में, सिलेबल में. जैसे फॉर एग्जांपल का, के, की, का, कू, इस तरह से. ये जो क है वो कॉन्सोनेंट है, जो पीछे ए लगा है वो वॉवल हो जाता है. रीड दीज लेबल्स लाउडली. और बच्चे हैं जो इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे.
दीज लेबल्स आर कम्बाइंड टू फॉर्म वर्ड्स. ये लेबल्स कम्बाइन होकर एक वर्ड बनाएंगे, देन रिटन ऑन चॉकबोर्ड, उनको चॉकबोर्ड पर लिखा जाएगा एंड रेड बाई टीचर, और उनको टीचर द्वारा पढ़ा जाएगा. द पीपल्स फॉलो द टीचर इन रीडिंग दिस, और बच्चे हैं जो टीचर को फॉलो करेंगे. द टीचर कैन प्रिपेयर अ लिस्ट इन्वॉल्विंग डिफरेंट साउंड, टीचर है जो एक अलग से डिफरेंट साउंड्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करके कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हिट, किट, लिट, सी, ट्री, नी, बी, ये सारे पुल, बुल, ठीक है, ओ के लिए डू, न्यू, तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग तरह से साउंड करते हैं, तो वो टीचर बना सकता है. फिफ्थ स्टेप में होता है पपल्स आर टॉट हाउ टू कम्बाइन फ्रेसेज एंड सेंटेंसेज. उसके बाद वर्ड्स बन गए, फिर उनको सेंटेंस बनाना, फ्रेस बनाना, ये बनाए जाते हैं. शी सैंग, शी सैंग, फॉर एग्जाम्पल शी इज सिंगिंग, रितु वेप्ट, रितु इज वीपिंग. दीज आर रिटन ऑन चॉकबोर्ड, इनको चॉकबोर्ड पे लिखा जाता है और पहले उसको टीचर बोलता है, फिर उसको बच्चे फॉलो करते हैं. तो ये है फोनेटिक मेथड. अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इट इज़ लॉजिकल, लॉजिकल है क्योंकि इसमें हम बोलना सीख रहे हैं. इकोनॉमिकल भी है और वेल ग्रेडेड भी है. दिस मेथड मूव्स नेचुरली, नेचुरली मूव होता है फॉर इंडिविजुअल साउंड टू सेंटेंस एंड कॉम्पोजिशन. इसमें साउंड से सेंटेंस बनाए जाते हैं. इट इज़ कम्प्लीट एंड साइंटिफिक, कम्प्लीट है और साइंटिफिक भी है, लॉजिक लगा हुआ है इसमें. इट क्लियर्स कन्फ्यूजन रिलेटेड टू लेटर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स. ये कन्फ्यूजन को क्लियर करता है जो लेटर के रिगार्डिंग होते हैं या साउंड की रिगार्डिंग होती है. इट अवॉइड्स एरर इन इंग्लिश स्पेलिंग एट लीस्ट इन द बिगनिंग, शुरू में ही ये इंग्लिश के स्पेलिंग्स में जो गलतियाँ होती हैं उनको ख़त्म कर देता है. दिस इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर pupils to gain mastery over pronunciation. इससे बच्चों को pronunciation पे mastery मिलती है, thus improving their spoken language, और spoken language जो वो improve कर सकते हैं. It is easily applicable, उसको बहुत आसानी से applicable किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है. This method has universal applicable, universal मतलब world level पे applicable है, मौजूद है. So it is one of the most reliable method. तो इस करके ये बहुत ही reliable, बहुत ही अच्छा method है, क्योंकि इसको universal world level पे हमने कहीं भी जाना है, English आज के time में बहुत ज़रूरी है, हर जगह English बोली जाती है, किसी भी world, किसी भी city में, किसी भी state में और किसी भी country में आप चले जाओ, English है जो वहाँ प्रनाउंस की जाती है. तो आपको अगर अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आती होगी, साउंड्स आते होंगे, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होने के कारण ये मेथड बहुत ही रिलायबल हो जाता है. अब इसके नुकसान क्या हैं जी? डीमेरिट्स, पीपल्स फाइंड इट टफ टू लर्न साउंड्स इंडिविजुअली. अब हमें पता ही है कि साउंड्स को पढ़ना और साउंड्स को समझना ये एक अकेले का काम नहीं है, ये टीचर के बिना नहीं हो सकता. अंडरस्टैंडिंग इज इग्नोर्ड, इसमें अंडरस्टैंडिंग इग्नोर की जाती है. आर लॉस्ट ओनली इन साउंड, सिर्फ साउंड्स पढ़ाए जाते हैं. लेस एम्फेसाइज इज लेड ऑन मीनिंग, और मीनिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जाता. हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि इसमें मीनिंग पढ़ाए जाते हैं, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि इसमें सिर्फ साउंड्स पढ़ाई जाती हैं. कन्फ्यूजन इज क्रिएटेड बाई होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो आपस में बोलने में एक जैसे होते हैं, वो उनमें कन्फ्यूजन हो जाएगी. जैसे कि सिटी और सिटी, दोनों में फ़र्क है. राइट और राइट, बोलने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग अलग अलग है तो मीनिंग भी अलग अलग होंगे, इसलिए होमोफोन्स को जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं. साइलेंट लेटर्स क्रिएट कन्फ्यूज़न लाइक साइकोलॉजी, ऑनेस्ट, आर्स एक्सेट्रा. साइलेंट लेटर्स जो हम लेटर्स प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि साइकोलॉजी, अब हम आगे तो पी लगाया पर हम बोल कहाँ से रहे हैं? स से, ठीक है. ऑनेस्ट आगे एच लगाया पर एच क्या है? साइलेंट है. आर्स एच लगाए हम एच भी नहीं बोल रहे, आर बोल रहे हैं अकेला, तो ये साइलेंट वर्ड जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. इंग्लिश साउंड सिस्टम इज़ टू कॉम्प्लेक्स, साउंड सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स के लिए फॉलो करना. इट प्लेज नो रोल इन एक्सपेंशन ऑफ आई स्पेन, इसमें आई स्पेन नहीं होता, इसमें साउंड्स होते हैं. आई स्पेन जो होता है वो अल्फाबेटिकल मैथड में होता है. इट डिलेज द डिवेलपमेंट ऑफ रीडिंग वर्ड्स एज ए होल, इसमें जो रीडिंग है वो रीडिंग डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है. द स्टूडेंट्स फाइंड इट बोरिंग एंड फील रिक्वायरमेंट टू परस्यू लर्निंग द लैंग्वेज, बच्चे हैं जो इसमें बोरिंग फील होते हैं, वो लैंग्वेज को, लैंग्वेज लर्निंग को है जो
परस्यू आगे बढ़ाने में दिक्कत फील करते हैं. दिस मेथड प्रूव्स टू बी फेटल इन द हैंड्स ऑफ इनसफिशेंट टीचर एंड देयर इज़ अ ग्रेट ड्रेथ ऑफ टीचर्स हु प्रोसेस द एबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रोनंसिएशन. इस मेथड के लिए जो टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है. वो टीचर जो वो उसको करेक्ट जो है प्रोनंसिएशन आती हो, अगर उसको आती होगी तभी वो स्टूडेंट्स को सिखा सकेगा. हाँ जी, तो ये थे हमारे अल्फ़ाबेटिकल और फोनिक मेथड्स. इन मेथड्स आपको साथ दिए गए हैं, पर आपने इसमें से दो मेथड्स ही करने हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेटिकल मेथड और फोनिक मेथड्स. उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे. अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से कभी भी शेयर कर सकते हैं.